हमरी भागो वाली। समझ में नहीं आता कि ये सब हमारे ही साथ क्यों होता है। मामी कहती हैं कि हम भागों वाली हैं, जहां जाएंगे खुशियां ही खुशियां बांटेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हम तो जहां गए वहां से पराए हो गए। पैदा हुए तो माँ पापा साथ छोड़ के चले गए, फिर बड़े हुए तो हमारे ही मामा मामी ये चाहने लगे कि हमारी शादी ना होने पाए। अम्मा के अलावा हमारे लिए आखिरी सहारा अगर कोई था तो वो थे गुड्डू जी। लेकिन मन में जाने के उनके लिए भी शक, जाकर भी उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। हम क्या करें? ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि हम बिना सच्चाई जाने गुड्डू जी की तरफ खींचते चले गए, और अब चाह के भी उनसे दूर होना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये तो हमारी कमजोरी है, और इससे ना लड़ पाने की तकलीफ भी एक कमजोरी है।
समझ में नहीं आ रहा गुड्डू जी, हम आपसे प्यार करें भी तो कैसे करें? काम धंधा छोड़ के घर में बैठ जाए क्या? काम धंधा छोड़ के घर में बैठ जाए क्या? बिना नाश्ता किए चले गए, बता दिया होता कि इतनी जल्दी जाना है तो हम कुछ बना देते, नाश्ता तो करके जाते, लेकिन कुछ बोले ही नहीं, ऐसे ही चले गए। देखो कचहरी में तो जबान चलत है और यहाँ घर में नाक का हाल बना के रखा है घर का। अम्मा एक मिनट रुक जाइए, हम देखते हैं रुक जाइए, साफ कर देते हैं आराम से। रुक जाइए नहीं तो पैर में लग जाएगा। बेटा तुम रहे दो। अरे नहीं मां ठीक है, रुक जाइए, रहे दो, हम साफ करवा लेंगे। हाँ सही हो गया मां, चलिए जीते रहो खुश रहो। कब हो तो हम सोचा थे तुम नहीं होते तो हमारा ख्याल कौन रखता। लेकिन कुकन बेटा इतने भोरे भोरे कहाँ जा रहे हो? वो अम्मा कहा है ना, गुड्डू भैया का फोन आया था, वो दुकान खोलना है ना सुबह सुबह, तो उसी के लिए जा रहे हैं। इतने भोरे दुकान खोलेगा? लेकिन सब ठीक ठाक है ना? अरे अम्मा चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो कहा है कि नई दुकान खोलना है ना, तो उसी का जरा ज्यादा दबाव है। बस अब जानते हैं अम्मा, काम ज्यादा बढ़ता है तो तकलीफ तो थोड़ी बढ़ती है ना अम्मा। भगवान तुमका जरूर सफलता दे। सब आपका आशीर्वाद है अम्मा, बस ध्यान रखो। हे भोलेनाथ, अपन कृपा दृष्टि ऐसा नहीं बनाए रखो जी, बहुत घबराहट है। गुड्डू इतना जल्दी दुकान खोले के वास्ते काहे बुलाया है? अरे हमका तो रुमझुन का फोन करे का पड़ी। जा रहा है हमें, करते कुछ है और होता कुछ है, मन एक जगह ठहरता ही नहीं। जिस बात को मानने के लिए दिल तैयार नहीं है
वही बात सच लग रही है। नहीं, अब हमसे ये सब और नहीं सहा जाएगा। हमें इस दुविधा को खत्म करना होगा। अभी अम्मा से मिलना होगा, वरना सच छूट के इस भंवर में हम ऐसे ही फंसे रहे तो पागल हो जाएंगे। डिजाइन बोले थे साले, वो डिजाइन नहीं ला सके। भाई साले काम चोर होते जा रहे, कुछ काम हम करोगे कि निठल्ले होते जा रहे हो। भैया डिजाइन आके यहीं रखी हुई है। अबे यहीं तो कौन लेके आएगा? अबे निकाल ना। अरे निकाल दो रे। अबे जब यहीं रखी हुई तो ये डिजाइन है, ये डिजाइन है कुकर। साले तुम्हारे भी दिमाग में दिमाग लग गया लगता है। एक मिनट भैया, सब ठीक तो है भैया, गड़बड़ का है इसमें? कोई समस्या है क्या भैया? देखो जरा सही डिजाइन है कि नहीं। अच्छा अच्छा एक मिनट रुक जाइए। भैया बिल्कुल ये तो सेम टू सेम ऐसे ही देखिए। खाओ, तुम्हारा भिजा सटक गया है, बेकार की बातें करो। है ना वही भैया? तुम लोग दुकान संभालो थोड़ा, हम देखते हैं। हाँ, ग्राहक को जाना है। ठीक है चलो, और कुछ गड़बड़ है देखते हैं। क्या हो भैया? कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। अबे क्या कहें यार, अब जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अड्डी पसली एक कर रहे दिन में, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या फायदा सब करने का, छोड़ देना चाहिए सब। हमें वो समझ में नहीं आ रहा है भैया, ये भूल भुलैया आप जो बता रहे हैं, ये साफ साफ बताइए भैया कहाँ है। अबे क्या बात बताएं यार, जिंदगी में ले देखी है क्या? एक मामूली धर्म पत्नी, वो भी सारा हैरान परेशान है। मामूली धर्म पत्नी हैरान और परेशान। मैं सोचा था मन में दबा के रखेंगे, पर फट से निकल जाता मुझसे। अरे भैया अपना माने है ना? माने है यार, कोई कहने वाली बात है क्या? भैया तुम बताइए भैया, दबाने से कुछ नहीं होगा, बताइए। क्या बताए यार, चले शादी को कितना समय हो गया, कितनी कोशिश करते हैं उसके साथ प्यार से रहे, 50 बार प्यार का इजहार कर चुके, लेकिन कुछ बोलती नहीं। सला ना मन मिलता ना मिजाज मिलता, करें क्या समझ में नहीं आता। जितना पास जाने की कोशिश करते हैं उतना दूर चली जाती है हमसे। भैया एक बात कहें, सबका समय होता है, हर चीज का वक्त होता है, और वो टाइम आने पे भैया ना वो भी सही हो जाएगा। भैया वो क्या है, लड़कियां जो होती है ना भैया, उनका मन बहुत ही मजबूत होता है। वो बात बात पे रोती जरूर है, लेकिन भैया अंदर से बहुत जुझारू होती हैं। और रही बात रुंझुन भाभी की, भैया वो तो बहुत ही ऐसी हैं। और भैया हमने भी तो कम नहीं किया ना उनके साथ में। हमने क्या किया भैया? हमने क्या किया, हमने कौन सी गलती की है? भैया एक बात बोले, जब मन में कोनो छवि बैठ जाती है ना, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अब क्या है, जैसे भाभी को ही ले लीजिए, भाभी ने कितनी कोशिश की आपके मन में अपना प्यार जगाने के लिए, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए, और वो बेचारी कितनी बेइज्जती गाली सब सही, भाभी ने कितना कोशिश किया भैया कि सब कुछ बदल जाए। अब आप धीरे धीरे जब आप बदल रहे हैं भैया, तो उनको भी बदलने में थोड़ा समय लगेगा भैया। और जरा सोचिए भैया, आप कोनो कसर उठा रखे थे उनको परेशान करने के लिए, अब वो भी तो भैया शादी भी हुई तो अचानक ऐसे हो गई, किसी को पता ही नहीं चला, कुछ धोखे में शादी हुई एक तरह से। इतनी बड़ी ज्यादती होने के बाद भी उन्होंने आपको अपना पति माना। कह रहे धीरे धीरे सब सही हो जाएगा भैया, जैसे सब कुछ सही हो गया वो भी सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, और हमें लगता है आपको वक्त देना चाहिए भैया। बात तो एकदम सही है, लेकिन हमको तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें यार। क्या करेंगे जिससे उसको लगे कि हम उसे प्यार करते हैं, और वो हमसे कहे कि वो भी हमसे प्यार करती। बस भैया हम कह रहे थे आप
वहां चले जाइए। वो भाई कहाँ चले जाए? अरे क्या तो बोलते हैं उसका, हाँ मून, मून पे चले जाओ भैया। मून पे चले जाए? भाई चांद पे जाके क्या करेंगे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या बोल रहे हो? अरे नहीं भैया, हमारा मतलब वो नहीं था, चांद वाद नहीं। अरे तो देखे याद नहीं आया साला, हमारा भूलने की बड़ी खराब याद कर लो पहले तुम आराम से। अरे हाँ भैया, हनीमून, अरे हाँ हनीमून पे चले। हमने देखा है भैया, बहुत सारी फिल्मों में देखा है वो जाते हैं, वो जब शादी हो जाती है ना तो एक दूसरे को समझने के लिए और टाइम पास करने के लिए जाते हैं। तो आप जाइए भैया, जरूर कुछ ना कुछ आएगा परिवर्तन, हम कह रहे हैं। अरे हनीमून पे कैसे चले जाए, हमें मानेंगे नहीं रंजन, हमको मालूम है अच्छे से। और एक सेकंड के लिए चलो सोच लो, मान भी जाएगी। अबे तो काम वाम का क्या करेंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है साले, इतना बड़ा ऑर्डर मिला कैसे करेंगे? तो पूरी वो डिस्ट्रीब्यूटर से मिली है कि नहीं मिली, कौन सा मालेगा उसको? बेकार की बातें करते तुम भी। अच्छा हाँ भैया, तो ज्यादा लंबा प्लान हो जाएगा मतलब, तो ये एक काम कीजिए, हम कह रहे हैं आप चले जाइए वहाँ पे, वो पिकनिक पे चले जाइए भैया। वो क्या है, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, 5-6 घंटे कम से कम जाएंगे बाहर तो समय व्यतीत करेंगे, अच्छा भाभी के साथ रहेंगे तो जरूर हमें लगता है ऐसा कि बदलाव आ जाएगा कुछ ना कुछ। अबे पिकनिक पे चले तो जाएं, लेकिन बीमारी है ना उसमें भी, अब अकेले जाते हैं ऐसा कुछ ना कुछ तूफान खड़ा हो जाता है। एक काम करो तुम हमारे साथ चलो। हम क्या करेंगे जाके भैया, अब आप दोनों जाइए, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। अब हम वही हो गया ना कि कुरमुरे में हड्डी और दाल भात में मुसर चंद साला, क्या करेगा? हम नहीं जाएंगे। बेवकूफ हमारी बात करो, तुम्हारी बात नहीं करे अकेले चलने की, हम कह रहे हैं कि महादेवी को भी साथ में लेना चाहिए। तुम और महादेवी साथ में चलोगे तो अच्छा रहेगा, क्या तुम्हें भी थोड़ा समझने के लिए समय चाहिए ना उसको, तो हम चारों साथ में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम और महादेवी? हाँ तुम और महादेवी। भैया अभी तो हमारे तो समझ में नहीं आता, हम साला आग है और पानी है, और आग और पानी को अगर इकट्ठा करेंगे ना तो क्या होता है आपको सब पता है, तो पहली बार मानेंगे भी नहीं भैया वो। शांत हो जाओ, मना लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम बात करेंगे। हमको लगता है कि तुमको और महादेवी को चलना चाहिए, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। और कहना बेटा इन सब की जिम्मेदारी हमारी तो है, हमने तुमको बोला था ना महादेवी से शादी करने के लिए, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता कि नहीं बनता, तो हमारी खातिर तुम चलोगे, और अगर तुम नहीं जाओगे महादेवी नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे, फिर इस बात खत्म हो गई। ठीक है भैया, अब आप कह रहे तो चलेंगे, आपकी बात आज तक नकार रहे हैं का। बड़े तू हमको कानून सिखाएगा, हमको कानून तू सिखाएगा। अरे बहन जी, कोई चोर गिरगट होगा, चोरी करके भाग रहा होगा, इसके लिए सभी लोग अपने हाथ साफ कर रहे हैं। ये तो रोज रोज का तमाशा है बहन जी, छोड़िए आप, चलिए। करते हैं, अरे लिया हुआ पैसा तो देते नहीं है, साला ठगी नहीं की हमने, हमारे खून पसीने का कमाई खा गया, मानेंगे नहीं तो क्या करेंगे इसे? अरे हम केस हार गए तो हम क्या करेंगे इसमें? ये लीजिए, इस वक्त हमारे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, बाकी पैसे आप लोग को मिल जाएंगे, लेकिन इनको मारिए मत। देखो सुन लो, 2 दिन में अगर इस वकील ने हमको पैसा नहीं दिया ना तो इसी के काले कोर्ट में हम इसके लाश बना देंगे। हम दे देंगे ना, हम कह रहे पैसे दे देंगे, जाइए आप लोग। 2 दिन में दे देना पैसे ना। ए साला जा, फिर कानून चिका रहे हैं, इसे मारेगा, मारेगा। अरे छोड़िए, चलिए मामा घर चलिए, छोड़ दो हमें, बात मत लगाओ हमें, नहीं जाना हमको घर, साला मार के अब सहला रही हो हमको, तुम्हारे गुनाह की सजा पा रहे हैं हम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये हालत तुम्हारी वजह से है, ये पांडे निवास छोड़ के अपना भाग के लेके चली आई तुम वहां से, जरा भी नहीं सोचा तुमने, जरा भी दया नहीं की हम लोगों पे। कैसी बातें कर रहे हैं मामा? अरे सच कह रहा हूँ मैं, जो सच्चाई है, ये लोग साले जो हमारे सामने नजर तक नहीं उठाते थे आज हमको गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं हमको सब तुम्हारी वजह से। पता है सरकार ने हमारे खाते को सील कर दिया है, ना हम कुछ बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, कोई उधार तक देने को तैयार नहीं है हमको। और अम्मा, अम्मा अपने पैसे पे कुंडली मार के बैठ गई है,
अरे बताओ कौन सी अदालत में अपील कर रहे हो हम अपने इसके? कहां सुनवाई होगी हमारी बताओ? जाके देखो उस पांडे निवास को, भूत बंगला बन गया है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं वहां लोग। जाके देखो अगर हम झूठ कह रहे हैं सच, जाओ जाके देखो। लात मत लगाओ हमें, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी दया की। रुंझुन दया मत दिखाओ हम पर, हम कुछ चले जाएंगे। तुम जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा सहारा। हे भगवान, घर पे सब ठीक हो? विष्णु मामा की हालत देख के तो हमें बहुत डर लग रहा है, जल्दी से घर पहुंचना होगा। हमरे